दिस इज आस्था एंड गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है व्हाई बिकॉज आज हम आपसे शेयर करने वाले इंफोसिस कंपनी की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। यस गाइस हमारे सब्सक्राइबर हमारे चैनल के व्यूअर अंकित एज यू कैन सी वी हैव गेस्ट ऑन आवर चैनल हिज नेम इज अंकित। अंकित कांग्रेचुलेशंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल अगेन। थैंक यू सो मच मैम। गाइज अंकित का मैंने पहले आपसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, इन्होंने क्रैक किया इंफोसिस कंपनी को एज सिस्टम इंजीनियर एंड ज्वाइन भी किया है कंपनी को 17th ऑफ जनवरी को। इनका आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएगा हमारे चैनल पर, किन रिसोर्सेज के थ्रू इन्होंने प्रिपरेशन की थी, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन थे, कैसी इनकी जर्नी रही थी टू गेट सिलेक्शन इन टू इन्फोसिस। एंड आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। अंकित का ऑलमोस्ट 2 months कंप्लीट हो गए हैं इन्फोसिस में ज्वाइन किए हुए, तो आज ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने वाले हैं इन्फोसिस कंपनी के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, इंडक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस, क्या प्रोसीजर होती है, कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या पॉइंट्स वहां पर आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन सी एग्जाम्स होती है, कैसे आपको उन्हें प्रिपेयर करना है, कैसे क्रैक करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ इन्फोसिस कंपनी स्टार्टिंग 2 months में क्या आपके साथ होने वाला है आफ्टर ज्वाइनिंग। सो प्लीज गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अंकित थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पर आए और आप हमसे ये शेयर कर रहे हो, आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे कैंडिडेट्स के लिए, वो डेफिनेटली इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इनवाइट किया मुझे अपने चैनल पे। यस यस एक्चुअली दैट्स एक्चुअली आई एम रियली ग्लैड यू केम एंड यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, ऐसा होना चाहिए। सी इससे क्या होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स को हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसेस रहने वाला है इन प्रोसेस का, राइट? तो ठीक है अंकित आपसे शुरुआत करते हैं, पहले आप अपना ब्रीफ में हमें इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित कुमार, मैं आबू रोड सिटी में रहता हूँ। मैंने 17th ऑफ जनवरी से अपनी इंफोसिस कंपनी को ज्वाइन किया। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये होता है कि आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो ट्रेनिंग को भी अलग अलग बैचेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होती है आपकी जेनेरिक ट्रेनिंग, इसमें आपको एक कोई एक लैंग्वेज दी जाती है, जैसे कोई भी होगा, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया। मैं जिस ट्रेनिंग में था जेनेरिक में, वो मुझे जावा मिली थी, उसी के ऊपर मैंने पूरा सीखा। और जो सीखने को मिलता है, आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे सीखना है, वो सब कुछ बताया जाता है हमको। और अभी मेरी जावा की जेनेरिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और अभी मेरी स्ट्रीम ट्रेनिंग चल रही है, ऑलमोस्ट एंड आ गया है। स्ट्रीम ट्रेनिंग में एक एडवांस लेवल होता है, जो जेनेरिक में जैसे मैंने जावा का सीखा था, वही स्ट्रीम के अंदर मैं एडवांस जावा सीख रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने पर आ गया है। ग्रेट ग्रेट मींस आपको मजा आ रहा है वहां पे ट्रेनिंग में सीखने में, एंजॉयिंग योर ट्रेनिंग पार्ट, राइट? यस मैम, आई एम एंजॉयिंग। ओके, आप किस ब्रांच से हैं अंकित? मैम मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा और बीटेक दोनों किया। ओके, सो एक क्वेश्चन जो मैं डेफिनेटली आपसे करना चाहती हूँ, बीइंग अ सिविल इंजीनियर, आपको जावा सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मींस कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं आ रही है? मैम ज्यादा तो दिक्कत नहीं, एटलीस्ट थोड़ी सी, मतलब जैसे हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करते हैं, तो वही मेन थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, ट्रेनिंग काफी अच्छी वहां मिल रही होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। देखिए हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो कवर अप हो जाता है मैडम। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो बीइंग अ सिविल इंजीनियर ये सिस्टम इंजीनियर की तरह ज्वाइन हुए हैं इन्फोसिस कंपनी में एंड जावा स्ट्रीम इन्हें मिला हुआ है, इसकी जेनरिक ट्रेनिंग भी इनकी कंप्लीट हो गई है, नाउ ही इज ऑन स्ट्रीम ट्रेनिंग। तो काफी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है इन्फोसिस में, हमने ऐसा सुना हुआ है अंकित, मैं जानना चाहूंगी आपसे भी किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है जब इन्फोसिस ट्रेनिंग देता है। मैम मेनली जैसे जावा जो पढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि जावा से आप क्या प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, जावा के आगे आगे बेनिफिट्स क्या है, कि आप इस पे कैसे काम करके आप एक जावा प्रोग्रामर बन सकते हैं, वो सब बताया जाता है। आपकी अभी कंप्लीट ट्रेनिंग ऑनलाइन चल रही है, राइट? यस मैम। तो आपको वीडियो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है या फिर कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए गए? वो जो हमको लाइव में सिखाते हैं उन्हीं के वीडियोस में होते हैं, लेक्स एक प्लेटफॉर्म होता है, उनके थ्रू अगर हमको रिवीजन करना होता है हमारे प्रैक्टिस के लिए, वो हम उनपे करते हैं, लेक्स प्लेटफॉर्म है एक। okay. हर एक स्टूडेंट को दिया जाता है वो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो मींस आपकी जेनरिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोजेक्ट अलॉट किए जाएंगे? यस मैम, प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। ओके ग्रेट, सो अंकित जब आपने यहां ज्वाइन किया था, सबसे पहले आपका इंडक्शन प्रोसेस रहा होगा? यस मैम, 1 week का इंडक्शन प्रोसेस रहता है, उसमें बताया जाता है कि आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग कितने बजे स्टार्ट होगी, आपको ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा, वो पूरा ओवरऑल प्रोसेस होता है जेनेरिक इंडक्शन पीरियड में। देन आपका जेनेरिक ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ जावा का एंड अभी आपका स्ट्रीम ट्रेनिंग चल रहा है, सो अभी आप एडवांस जावा सीख रहे होंगे, राइट? यस मैम। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो अंकित आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो, मीन्स किस तरह से आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, बैचेस में सिखाया जाता है, सभी लाइव रहते होंगे?
लाइव वीडियो यस मैम बैचेस में किया जाता है। यस मैम लाइव वीडियो आते हैं, बैचेस में सिखाया जाता है हर एक बैच को। अभी जैसे मेरे को जो एडवांस जावा मिला उसमें भी बहुत सारे बैचेस हैं, जैसे मुझे जावा सी मिला हुआ है उसका मतलब सिलेबस सभी का सेम है लेकिन एक अलग तरीके से सिखाया जाता है कि हाँ पहले सी फिर पहले ए ए बी सी डी के हिसाब से, अब जो मुझे मिला है वो सी बैच है मैम। ओके तो उसमें थोड़ा आगे चलते हैं कोर्स के अंदर। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो मींस गाइस, जो पहले इनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी वो मैसूर में हुआ करती थी, वो भी इनका बहुत अच्छा कैंपस है, बट बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन ये कंप्लीट ट्रेनिंग ऑनलाइन हो गई है, बट स्टिल कैंडिडेट्स आर एंजॉयिंग देयर ट्रेनिंग, काफी कुछ सीखने को मिलता है बिकॉज मुझे काफी फीडबैक मिलता है कैंडिडेट्स के, तो ट्रेनिंग में काफी कुछ सीखते हैं वो लोग, सो आई एम श्योर आप भी काफी कुछ सीख रहे होंगे एंड प्रिपेयर होंगे अब जावा में प्रोग्रामिंग करने के लिए कोडिंग करने के लिए। सो अंकित अगर हम बात करें आप सैलरी स्ट्रक्चर की, तो मींस अभी आपको ऑन एन एवरेज कितना सैलरी मिल रहा है वहां पर इंफोसिस में? 20 to 25,000। ओके सो गाइस ट्रेनिंग के दौरान आपको 20 to 25,000 इनहैंड सैलरी मिलता है, ट्रेनिंग के बाद ये सैलरी आपका इंक्रीज होता है। ओके इसका बहुत ही जल्दी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ कि ट्रेनिंग में आपको कितना सैलरी मिलता है एंड आफ्टर ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग आपका कितना सैलरी हो जाता है, डेफिनेटली वो इंक्रीज होता है, उसके अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है कुछ एग्जाम्स भी होते होंगे अंकित आपको जब ये ट्रेनिंग आप दे रहे हैं तो कुछ एग्जाम्स आपको देने होंगे? यस मैम जैसे एक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है जैसे जेनेरिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसके एग्जाम्स होते हैं मैडम, अभी जैसे जेनेरिक का हो गया है हमारा एग्जाम, अब स्ट्रीम ट्रेनिंग चल रही है उसका एक एग्जाम हो गया है। ओके तो इन एग्जाम्स में कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया रहता होगा कितने पे आप क्वालीफाई करोगे? जेनेरिक में अलग अलग रहते हैं, जैसे जेनेरिक में मैम आपको इक्वल टू और मोर देन 50% लाना रहता है और स्ट्रीम के अंदर भी इक्वल टू और ग्रेटर देन 50% और फिर उन दोनों का एवरेज लिया जाता है। ओके और ऑन एन एवरेज आपका 60 से 70 होना चाहिए राइट? 65% होना चाहिए, 65% आपका ऑन एन एवरेज होना चाहिए। सो गाइस दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू पीपल कि आपको ट्रेनिंग को भी लाइटली नहीं लेना है बिकॉज उस ट्रेनिंग में जो एग्जाम्स होती हैं वो F1 F2 इस तरह से होती है गाइस एंड उनको आपको क्रैक करना बहुत जरूरी है, क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है एंड उसमें भी आपका एक परसेंटेज क्राइटेरिया है जिसको आपको मीट करना होता है, तो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव एंड आपको उस ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लेना है बिकॉज उसी पर आपको लेटर ऑन वर्क करना होता है। ग्रेट सो आपके और भी कुछ आप शेयर करना चाहें आप अपने एक्सपीरियंस से जो 2 months का एक्सपीरियंस आपका रहा है इन्फोसिस में? डेफिनेटली मैम आई लाइक टू शेयर, जो भी हम सीखते हैं ना मैडम उसको एकदम पहली बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो कुछ काम का नहीं रहेगा और हम भूल जाएंगे उसको। डेफिनेटली जो भी सीखते हैं जो सिखाया जाता है उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, मीन्स डे टू डे जो आपको लाइव सेशन मिल रहे हैं गाइज उसको आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, और एक भी दिन अगर आप स्किप कर रहे हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिकॉज प्रोग्रामिंग जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें कोई भी सेक्शन मिस नहीं करना होता है, तो मेक श्योर कि आप डेली अपना लाइव सेशन अटेंड करें एंड उसे प्रैक्टिस करो, जैसा कि अंकित ने कहा है प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा टू क्रैक योर एग्जाम टू अचीव योर परसेंटेज क्राइटेरिया इस पर। ग्रेट सो अंकित अभी कैसा फील हो रहा है आपको, मीन्स इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, जेनरिक ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गई है और ऑलमोस्ट आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग भी कम्प्लीट होने ही वाली है, कैसा फील कर रहे हो इन्फोसिस ने? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा लग रहा है सीखने में कि हाँ मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, नया कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी मिली है मैम, डेफिनेटली इससे मुझे आगे अपने करियर में हेल्प मिलेगी कि हाँ मैं ग्रो कर पा रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है अंकित, थैंक यू सो मच कि आप चैनल पर आए एंड गाइस इंडक्शन प्रोसेस आपका रहता है जो ऑलमोस्ट 1 week का रहता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि इन्फोसिस में क्या वर्क मिलेगा आपको, कैसा वर्क कल्चर है इन्फोसिस का, कौन कौन सी स्ट्रीम्स में आपको मिल सकती है अपॉर्चुनिटी, देन आपका जावा पाइथन C++ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम अलॉट की जाती है। ठीक है अंकित को जावा मिली है, बहुत से कैंडिडेट्स को पाइथन मिली होगी, सो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रेन करेंगे, ऑलमोस्ट 2 to 2.5 months की ट्रेनिंग होती है आपकी जो कि कम्प्लीटली बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है। ठीक है मेरे पास जो फीडबैक आते हैं कैंडिडेट्स के बहुत इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग मिलती है आपको, जेनरिक ट्रेनिंग होती है देन स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है, आपको जो भी लैंग्वेज सिखाई जा रही है उसका एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जाता है, तो मेक श्योर ट्रेनिंग को सीरियसली लो एंड ट्रेनिंग में आपको ऑन एन एवरेज 22 to 25,000 इन हैंड सैलरी मिलता है, आफ्टर दैट वो इंक्रीज होता है, उसके से पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन माय नेक्स्ट वीडियो, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो बहुत ही अच्छी बात है अंकित आपका करियर काफी अच्छा स्टार्ट हो गया है इन प्रोसेस में, मेक श्योर कि आगे भी बहुत अच्छे से आप ग्रो करो, थैंक यू सो मच एंड आपने पहले अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया गाइस, ये हमारे ही सब्सक्राइबर है एंड इन्होंने एक्सपीरियंस भी अपना शेयर किया हुआ है, चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, काफी इन्फॉर्मेशन मेटिव वीडियो वो भी था इनका, तो थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच एंड केवन और चैनल। थैंक यू सो मच मैम आपने इनवाइट किया मुझे अपने चैनल पे, थैंक यू सो मच।
ग्रेट ग्रेट, सो ऑल द बेस्ट गाइज। एंड अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो हमारे साथ किसी भी एमएनसी कंपनी का, डेफिनेटली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेल आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे क्या होता है ना, कैंडिडेट्स को आइडिया मिल जाता है कि उन्हें किस तरह से प्रिपेयर रहना है, राइट। और ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लेना है गाइज आपको। डे टू डे जो भी एक्टिविटीज आपको कराई जाती है, जो भी सेशन आपके होते हैं, मेक श्योर उसको रिवाइज करते रहो, बिकॉज यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया मीट करना बहुत जरूरी है जब भी आप एग्जाम देते हो। ओके, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू अपडेट। बाय बाय।